पढ़ाईशाला में आपका स्वागत है। पढ़ाईशाला लेके आए आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा संगठन है? चार ऑप्शन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, तीसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चौथा ऑप्शन है प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, खाद्य तेल किससे निकाला जाता है? इस प्रश्न के चार ऑप्शंस हैं, भांग, कपास, राई, रतन जोत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राई। अगला प्रश्न है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? इस प्रश्न के चार ऑप्शंस हैं, झारखंड, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? बीमा, न्याय, चिकित्सा और अन्य आजीविका, पथकर या रोजगार और बेरोजगारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम है? इस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं, दक्षिण शिखर, पश्चिम शिखर, श्वेत पर्वत, परमानंद दयनीय देवी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्वेत पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में पैर की बीमारी किस वजह से होती है? राइनो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, ट्राइकोफाइटन, बेरीबीरियो कॉलरस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्राइकोफाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और उसके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? इस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं, सेंट्रल असेंबली बम कांड, डलहौजी स्क्वायर बम कांड, कैस्टन हॉल में गोली चलना, अंग्रेज ऑफिसर जैक्सन को गोली मारना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेंट्रल असेंबली बम कांड। अगला क्वेश्चन है,
संकरिक जवार, हाइब्रिड सॉर्गम के पिता कौन हैं? तो इस प्रश्न के चार ऑप्शन हैं: जगदीश चंद्र बोस, एम एस स्वामीनाथन, नीलम राजू, गंगा प्रसाद राव, नॉर्मन बोरलॉग। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीलम राजू, गंगा प्रसाद राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है: भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है? चार ऑप्शन है: 400, 1400 रुपये पर टन, 2400 रुपये प्रति टन, या 4000 रुपये प्रति टन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 400 रुपये प्रति टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है: संसद सत्र कब से आरंभ होता है? इसके चार ऑप्शन है: राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के बीच एक बैठक, लोकसभा अध्यक्ष के संदेश से, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन, संसद के सभी नए सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण। का राइट आंसर है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से।